हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, काउंसलिंग्स ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। तो काउंसलिंग्स के बाद 2024 के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, ये डिफरेंट कॉलेज वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, दैट इज़ BHU। ठीक है, तो BHU का 2024 का MBBS का कट ऑफ क्या रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको 2025 के कट ऑफ का एक आइडिया लग जाएगा। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो नीट 2025 में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के माइंड में एक रहता है कि यार मुझे कौन सा कॉलेज लेना है। तो अगर आप उसके कट ऑफ मार्क्स रैंक देखते हो, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में एक चीज़ लेके चलते हो कि मुझे इतनी रैंक सिक्योर करनी। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि जो कैटेगरी वाइज MBBS का 2024 BHU का कट ऑफ क्या रहा है। तो फर्स्टली अगर आप देखोगे तो MBBS का जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रैंक रही है 1014, दैट इज़ 1014, ये मैं रैंक बता रही हूँ। एंड OBC कैटेगरी की कट ऑफ रैंक रही है 2024 की 1585, दैट इज़ 1585। ठीक है, नेक्स्ट EWS कैटेगरी की अगर देखो आप, तो जो कट ऑफ रैंक रही है BHU की वो रही है 1634 1634। एंड SC कैटेगरी की MBBS की 2024 की रही है 1449। ठीक है, और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ रैंक रही है 2024 BHU की वो रही है 23860। ठीक है, तो ये थी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक, जिसमें कि एडमिशन क्लोज हुए हैं राउंड वन में। राउंड टू राउंड थ्रू में बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है, राउंड वन में ही मोस्टली एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर नीट 2025 के लिए आप अपेयर होने वाले हो, तो आपको इतनी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी अपनी कैटेगरी वाइज, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। आई होप आप नीट 2025 की प्रिपरेशन ऐसे ही करोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज का वीडियो, किसी कट ऑफ रैंक मार्क्स या फिर किसी भी कॉलेज की डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उन वीडियोस के उन कॉलेजेस के ऊपर ही फुल डिटेल वीडियो बनाकर लाऊंगी। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छे वीडियोज़ मैं लाने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।